हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज आम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स विषय पढ़ा। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और कीपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तले जो प्रोसेस रे आमे थिंग्स गुड़ा को रखुचे से कौन कह ग्रुपिंग कहवा। आरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो सब प्रकार अलग अलग मैंने डिफरेंट टाइप्स रो थिंग्स रही कि क्यारेक्टरीस्टिक्स को लेकिन आम जब आरेंजमेंट करवा क्लासिफिकेशन। तो आम मटेरियल्स गुड़ाक ग्रुप कौन पर ग्रुप कले यहाँ आम बहुत इजी हो जाए। कौन से गोटे जिनस आम खोजार भी बहुत सहज हुए आउ जल्दी आमको मिल जाए। से आम सब जिनस ग्रुप बा क्लासिफिकेशन करके रखिद। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स रो कौन कौन प्रॉपर्टीज रही। थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आम चारिपाखे जो भी सब जिनस अच्छी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स रे तैयारी है। सम आर मेड ऑफ मेटल्स, किसी मेटल्स रे तैयारी है। सम आर मेड ऑफ मेटल्स, सम आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, सम आर ऑफ एनी अदर मटेरियल लाइक पेपर, वुड एसेट्रा। तो किसी मेटल्स तैयारी किसी प्लास्टिक रे, किसी पेपर, वुड, ग्लास, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स रो मटेरियल्स रे आमर डिफरेंट टाइप्स रो मटेरियल्स तैयारी हो। वन पर्टिकुलर मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मेनी थिंग्स। तो गोटे मटेरियल ही आम विभिन्न प्रकार जिनस तैयारी। एग्जांपल, मेटल्स कैन बी यूज टू मेक अटेन्सिल्स, वेयर्स, ज्वेलरीज, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा। तो मेटल्स क्रु कौन कौन सब होटेनसिल्स जो बासन हरिका, वेयर्स, ज्वेलरी, एयरप्लेन एक्सेट्रा। अनदर एग्जांपल, ओड ओड रे कौन हो डोर, विंडो, आलमीरा, टेबल, चेयर, बेड, डिफरेंट टाइप्स रो थिंग्स आमर मेटेरियल ओड रु तैयारी हो। आइटम्स मेड ऑफ ओड, डाइनिंग टेबल, चेयर, आलमीरा, बेड, विंडो, डोर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आइटम्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइटम्स गुड़ाक आम कौन हो ओनली मेटल्स रु तैयारी हो ना मेटल आउ नॉन मेटल मिक्सचर रु तैयारी हो। एग्जांपल, सिल्वर स्पून, नेल, कॉइन, आयरन पेपर क्लिप, सेफ्टी पिन, गोल्ड रिंग, स्टील रोलर एंड नेडल। तो ये किटा डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स या कि मेटल्स सहित नॉन मेटल्स मिसुचे। लुक आट दिस टू बीकर्स, वन इज मेड ऑफ प्लास्टिक बीकर एंड अनदर इज मेड ऑफ ग्लास बीकर्स। बोथ आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो जो प्लास्टिक बीकर और ग्लास बीकर डिफरेंट पर्पजेस यूज करा जाउछे। प्लास्टिक बिकॉज इज नॉट इजिली ब्रेकेबल बट इट कैन नॉट बी यूज टू हिट एनी मटेरियल। प्लास्टिक बिकरटा जल्दी ब्रेक हेनी आईटा कौन प्लास्टिक कौन डिसएडवांटेज रही। इट कैन नॉट बी यूज टू हिट एनी मटेरियल, जेकोसी गोटे हिट को अब्जर्व करपर ना। वी यूज द ग्लास बिकर टू हिट एनी सब्सटेंस। तो जेकोसी गोटे जिनस को आम हिट करने ग्लास बिकर यूज करुचे। बट ग्लास बिकर्स आर ब्रेकेबल। ये जो ग्लास बिकरटा रही भांगिज बट प्लास्टिक बिकरटा के भी जल्दी भांगना। किंतु ये जो प्लास्टिक बिकरटा रही प्लास्टिक बिकरटा कौन सी गोटे मटेरियल को हमें हीट करने यूज करना। किंतु ग्लास बिकरटा हिट एनी सब्सटेंस, जेकोसी गोटे सब्सटेंस को आम हिट करने ग्लास बिकरटा यूज कर। थिंग्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। जो जिनस गुड़ाक सब ग्रुप हो तो किसी कॉमन प्रॉपर्टीज रही। कॉमन प्रॉपर्टीज को लेकिन ही आम ग्रुपिंग करुचे। ना कौ मटेरियल सहित कह सिमिलरिटी रोचे, कह डिफरेंस रोचे आम जापरबानी। तेल आम जो ग्रुप करुचे कौन कौन तार प्रॉपर्टी थी दरकार, फिजिकल अपीयरेंस, मैग्नेटिज्म, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉल्युबिलिटी, देन कंडक्टिविटी। तो यही जो चारिटा प्रॉपर्टीज रहा ये प्रॉपर्टीज रे ही आमर मटेरियल गुड़ाक ग्रुपिंग करा जाउछ। तले कौन कौन
फास्ट आसला फिजिकल अफेरेन्स देन मैग्नेटिज्म देन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉल्युबिलिटी देन कंडक्टिविटी. नेक्स्ट सॉर्टिंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस. तो फास्ट प्रॉपर्टीज रे हमर कोन रहिथिला फिजिकल अपीयरेंस रहिथिला. तो फास्ट टाइम पढ़िबा फिजिकल अपीयरेंस. थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस रफ सरफेस लस्चरियस अपीयरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी. तो आम सब्सटेंस गुड़ाक फिजिकल प्रॉपर्टी रे सब कोन कोन जाउची हार्डनेस रफ सरफेस लस्चरियस अपीयरेंस देन ट्रांसपेरेंसी. तो फर्स्ट अबे हार्डनेस विषय पढ़वा. सम ऑब्जेक्ट्स सच एज मेटल स्टोन्स वुड्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस. मैंने आम इजिली कंप्रेस करना जमी पनीर वाटर एगुड़ा सब स्मूथ रोच तो आम इजिली हाथ में ही मास करदे कि जो हार्ड सब्सटेंस रहा मेटल स्टोन वुड एट जल्दी कंप्रेस हुए ना दे आर हार्ड सब्सटेंस से गुड़ाक हार्ड सब्सटेंस. डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. सबुठ हार्डेस्ट सब्सटेंस होजे डायमंड. थिंग्स सच एज स्पंज एंड कॉटन आर इजी टू कंप्रेस. स्पंज कॉटन एगुड़ाक जल्दी आम कंप्रेस इजिली कंप्रेस कर पारिबा. दे आर ग्रुप्ड एज सॉफ्ट मटेरियल. ताले सॉफ्ट मटेरियल आउ हार्ड मटेरियल भितर डिफरेंस कौन. हार्ड सब्सटेंस होजी नेचुरली डिफिकल्ट टू कंप्रेस आम कंप्रेस इजिली कर पारिबा नहीं. बट सॉफ्ट मटेरियल्स आर इजी टू कंप्रेस. सॉफ्ट मटेरियल को आम इजिली कंप्रेस कर पारिबा. एग्जांपल ऑफ हार्ड सब्सटेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स वुड स्टोन्स एक्सेट्रा. देन सॉफ्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स स्पॉन्ज कॉटन एक्सेट्रा. देन रफनेस मटेरियल्स सच एज सैंड पेपर ब्रिक्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज हैव रिजेस ऑन देयर सरफेस. तो आमर जो सब मटेरियल्स रहा एग्जांपल सैंड पेपर ब्रिक और बार्क ऑफ ट्रीज एटाक आम हाथ को पूरा स्मूथ लगे ना रिज ऑन देयर सरफेस सरफेस किसी आबड़ा खबड़ा रही था. दिस रिजेस मेक्स मेक द सरफेस रफ. ताले ए जो रिजेस रही आमर सैंड पेपर भी पूरा स्मूथ न थाए कारण स्मूथ रहिले आमे सैंड पेपर को आमे यूज करूचे कौन पे जदि आमर केते बेले भी लुहारे कलंकी लगे ताको छाड़ीबा पे आमे सैंड पेपर यूज करूचे. तो सैंड पेपर केबे हेले भी स्मूथ न थाए. ब्रिक्स ब्रिक्स तो आम समस्त देखुचे यूज भी घरे हो तो ब्रिक रा सरफेस भी स्मूथ सरफेस न थाए सेटा रफ रखा जाए था कौन पाए ना मोटर ता सहित अटैच हो पार ना. देन बार्क ऑफ ट्रीज एथिरे भी मध्य किछिटा रिजेस रही. तो ए सब जो रिजेस गुड़ाक होरा कौन सरफेस को रफ करुचे. वी कैन फील द रफनेस टचिंग अन टचिंग दिज ऑब्जेक्ट. तो आम रफनेस अच्छी ना ना आम कमी जानूचे से ऑब्जेक्ट को आम जिते टच करुचे से आम जापे. नेक्स्ट सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव रिजेस ऑन देयर सरफेस. आउ किसीटा ऑब्जेक्ट रही जार कि एमती जो आबड़ाखबड़ा गुड़ा रोचे तो रिजेस तर न था. दे आर स्मूथ इन टच. टच कले बहुत स्मूथ लगे. एग्जांपल ग्लास सिल्क पेटल्स ऑफ ए फ्लावर. गोटे फ्लावर पेटल को आम जिते टच करुचे ग्लास फ्लावर तो एगुड़ाक सब हो स्मूथ सरफेस. सिल्क क्लॉथ इज स्मूथ इन टच एंड इट साइंस एज वेल. सिल्क क्लॉथ गुड़ाक आम हाथ को बहुत स्मूथ लगे आटा साइन करे. देन लस्चर. लस्चर मीन्स साइनिंग जोटा रही मानने ग्लेज आम कहे. मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ए साइनिंग सरफेस. तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट रही मेटल्स रही जो मैंने साइन करते. द साइनिंग सरफेस ऑफ ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड लस्चर. तो मेटल्स रो जो साइनिंग सरफेसटा रही था कौन कहते लस्चर कहते. गोल्ड एंड सिल्वर आर लस्चरियस एंड डस्ट दे आर यूज टू मेक पीसेस ऑफ ज्वेलरी. आम से ज्वेलरी लगे गोल्ड और सिल्वर तो तार साइनिंग गोल्ड रो साइनिंगटा अधिक रोचे सिल्वर रोच बट सिल्वर किसी दिन यूज कलापर तार ग्लेजटा कमी जाऊँ कि गोल्ड यूज कर गोल्ड रो साइनिंगटा
ସବୁବେଳେ ସେମିତି ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ସାଇନିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭରକୁ ଆମେ ଜୁଏଲେରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ମେଟାଲ୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ସ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ଆଉ କିଛି ମେଟାଲ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କାହିଁକି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇନିଂ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡେକୋରେଟିଭ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଅବଜେକ୍ଟ ହୁଇଜ୍ ହାଭ୍ ରଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଜେନେରାଲି ଡୁ ନଟ୍ ସାଇନ୍। ତ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ରଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାର ସ୍ମୁଥ୍ ସର୍ଫେସ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଅବଜେକ୍ଟର ସିଲଭର୍ କଟ୍ଲେରୀ, ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ। ସମ୍ ମେଟାଲ୍ସ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ଡଲ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। ତ କିଛି ମେଟାଲ୍ସ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନୂଆ କିଣିକି ଆଣୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ସାଇନ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ତା'ର ସାଇନିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ଟା କମିଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଜେନେରାଲି ରିଆକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ ଏ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍। ତ କାହିଁକି ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ମେଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଛି, ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମେଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ମେଟାଲ୍ଟା ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ସାଇନିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ଟା କମିଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଲେୟର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ତାର ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସାଇନି ଅଟେନ୍ସିଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି, ବହୁତ ସାଇନ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଆଉ ଅଧିକ ନୂଆ ପରିକା ସାଇନ୍ କରୁନି, କାହିଁକି, କାରଣ ଆଲୁମିନିୟମ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ହୋଇକି ରହିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଉ ଆଗ ପରିକା ସାଇନ୍ କରୁନି। ଦେନ୍ ପଡ଼ିବା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି। ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଦ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆର୍ ସର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ୍ସ। କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ, ଅପାକ୍। ତ ମେଟେରିଆଲ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପ୍ରପର୍ଟି, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇଟ୍ଟା ପୁରା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କରିକି ଚାଲିଯାଉଛି, ତ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଉପରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିକୁ ନେଇକି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓପାକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ହୁଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଲାଇଟ୍ଟା ପାସ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ଏୟାର୍, ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ସମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ହୁଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ସମ୍ ଲାଇଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ଟା ଫୁଲି ପାସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି ସମ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ଡିପ୍ଲି କଲର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍, ୱାକ୍ସଡ୍ ପେପର୍, ଡାର୍ଟି ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍, ମେନ୍ଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଆମର ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲି କଲର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ୱାକ୍ସ ପେପର୍, ଡାର୍ଟି ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ। ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ହୁଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଅପାକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଇଟ୍ ଟୋଟାଲି ପାସ୍ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଓପାକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲୋ, ୱାଲ୍, ଟେବଲ୍, କବୋର୍ଡ, ଉଡ଼େନ୍ ଡୋର୍ ଏସେଟ୍ରା। ୱୁଡ୍ ଟେବଲ୍, କ୍ୟୁସନ୍, କୁସନ୍, ବେଡ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଓପାକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ପାସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ସ। ସର୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଲିବିଲିଟି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସଲିବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ମେଟେରିଆଲ୍ସକୁ କେମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍,
वन इज लिक्विड अनदर सॉलिड एंड अनदर इज गैस सॉलिड लिक्विड एंड गैस द मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट इन व्हिच दे एक्जिस्ट द मटेरियल्स गुड़ाक जो स्टेट रही से अनुसार आम ग्रुप कर मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हाट इज एटम मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स तो दो स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम देन स्टेट्स ऑफ मैटर देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड गुड़िकर डेफिनेट शेप आउ वॉल्यूम रही तो जो जगार से माने रहिबे से जगार से माने सेप तांको सेपटा को ही से जगार से माने ऑक्युपाई करिबे इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड सॉलिड सब्सटेंस रे पार्टिकल्स उड़ाक जो पार्टिकल्स बा एटम्स उड़ाक टाइटली पैक्ड हेकि थांथि सेति पई आमे सॉलिड सब्सटेंस को जेते बेले भी भांगु जे आमको अधिक फोर्स अप्लाई करबा को पड़ो छे नहल से भांगो नै देन सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल सॉलिड को आमे कंप्रेस कर परबा नै देन लिक्विड लिक्विड्स हैव इनडेफिनाइट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड रा इनडेफिनाइट शेप माने ताको जो शेप माने जो जिनस रखे तो से तार शेपटा ही नबा जदि आमे गोटे बाउल रे रखिबा ताले वाटर रा शेप कोन रहिजो बाउल रे जेमती अछि तार शेप सेमती रहिबो जदि आमे गोटे ग्लास रे रखिबा ताले ग्लास रा शेप जेमती वाटर रा शेप भी सेमती द लिक्विड रा लिक्विड्स हैव इनडेफिनाइट शेप तार शेप नाही बट डेफिनेट वॉल्यूम किंतु वॉल्यूम रहिछे इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड्स सॉलिड्स रे जेमती पार्टिकल्स गुड़ाक पूरा टाइटली पैक्ड होकर रही जहाँफल कि आम भांगेबा फोर्स अप्लाई करिया को पड़छे बट लिक्विड रे पार्टिकल्स गुड़ाक टिके लूजली माने सॉलिड थारो टिके लूजली अटैच होता जहाँफल कि आम जितेबाला लिक्विड को गोटे जगार आ गोटे जगह को ढाचे तो सेटा आमको अधिक फोर्स देवाक पड़ू तो से ढाड़ी जाऊँ कंप्रेसिबल टू स्मॉल एक्सटेंट अल्प कंप्रेसिबल देन गैस इनडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम गैस रो शेप नहीं कि वॉल्यूम भी नहीं पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन गैस पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड हाईली कंप्रेसिबल गैस टा अधिक कंप्रेसिबल हो जाए तो सॉलिड लिक्विड गैस रो आम डिफरेन्स जानपारे सम सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर तो किछिटा सॉलिड रहिछ जो गुडा के वाटर रे सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सॉल्युबल मींस मिक्स विथ वाटर वाटर रे जोटा मिसिजबो सुगर एंड सॉल्ट ऑयल मिक्स ऑयल विथ वाटर ऑन स्टीरिंग प्रॉपर्ली बट चॉक पाउडर डज नॉट जते बेले हमें सुगर आउ वाटर को नेकी स्टीर कर गए पानी रे मिसोचे तो सेटा मिसि जाउचे बट व्हेन वी टेक चॉक पाउडर जेतेबेले आमे चॉक पाउडर नौचे चॉक पाउडर टा वाटर रे पूरा मिक्स हो पारुनि तार पार्टिकल्स गुड़ाक उपरे भासी बोलुछन्ते जदि आमे किछि ताकु डिस्टर्ब न करके आमे रखिदबा ताले किछि टाइम परे से पार्टिकल्स गुड़ाक सब ग्लास रे तळे पसिजबे सो वी कैन ऑल्सो ग्रुप द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो वाटर रे सॉल्युबल ऑब्जेक्ट अच्छी ना ना तार सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी ना ना चेक करके आम ग्रुप कर परिबा वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट मीन्स ए मैटर व्हिच इज डिसॉल्व इन दिस जेतेबेले कोनसे गोटे जिनस जदि सेतरे मिसी गला ताले ताको कोन कहंती सॉल्वेंट आउ जे मिसिला जहा को हमें ऐड करू जे ताको हमें कोन कहबा सॉलिड आज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग गेट डिसॉल्व इन वाटर तो वाटर इज नोन एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स गेट डिसॉल्व इन वाटर वाटर रे बहुत सारा जिनस मिसी जाउछे सेति पई हमें वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहचे बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज सॉल्युबल इनसॉल्युबल मिसिबल और इमिसिबल सॉल्युबल मीन्स डिसॉल्व
इनवर्टर प्रॉपर्ली माने तर किछ भी पार्टिकल्स रहबनी पूरा मिसि जिवो। इनसॉल्युबल मींस डज नॉट मिक्स विथ वाटर, वाटर रे मिसि बने इमिसिबल अल्प अल्प मिसिबो। द सॉलिड मटेरियल दैट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल। कंप्लीटली डिजॉल्व जिते बेले वाटर रे पूरा टोटली मिसि जाउछे डिजॉल्व हो जाउछे तेते हम तो कोन कहउछे सॉल्युबल। देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी कोन द प्रॉपर्टी इन व्हिच द सॉलिड मटेरियल्स कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, वाटर रे जिते बेले से टोटली मिसि जाउछे तेते बेले हम तो कहउछे सॉल्युबिलिटी। सुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, सुगर और सॉल्ट वाटर रे सॉल्युबल। सम सॉलिड्स सच एज चॉक पाउडर एंड सैंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर दस कॉल्ड इनसॉल्युबल। सब्सटेंस व्हिच आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर जो गुड़ाक वाटर रे डिजॉल्व होती आम कौन कह इनसॉल्युबल मटेरियल्स। तो इनसॉल्युबल एग्जांपल चॉक पाउडर सैंड। लिक्विड मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो लिक्विड मटेरियल को आमर जो रहा आम सॉलिड मटेरियल आम जान लें सॉल्युबल गोटे इनसॉल्युबल गोटे, तो लिक्विड मटेरियल्स सॉल्युबिलिटी को लेकिन ग्रुप्ड हो। लिक्विड सच एज अल्कोहल विनेगर लेमन जूस हनी एंड ग्लिसरीन डिजॉल्व इन वाटर एंड कॉल्ड वाटर मिसेबल लिक्विड्स। लिक्विड्स गुड़ाक जो गुड़ाक वाटर रे डिजॉल्व हो जाए कंप्लीटली आम कौन कहे मिसेबल लिक्विड्स। एग्जांपल विनेगर लेमन जूस हनी अल्कोहल एसेट्रा कंप्लीटली से माने वाटर रे मिसी जाउछन्दे। ऑन द अदर हैंड लिक्विड सच एज ऑयल डीजल एंड पेट्रोल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर कॉल्ड वाटर इमिसिबल लिक्विड्स। तो आउ किछि लिक्विड्स रहिछि जेमती ऑयल डीजल पेट्रोल एगुडा सब वाटर रे डिजॉल्व हे पारुने तो सेटा कोन इमिसिबल लिक्विड्स। जते बेले आमे वाटर रे ऑयल मिसौछे सेते बेले कोन होछि सेटा ओ माने ऑयलटा ऊपर रह जाउछि वाटरटा तळे रहउछि तो सेटा केबे भी मिसुनी। सम गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। किसी गैस रही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एटा कौन है वाटर रे डिजॉल्व होकर रही। एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड दिस ऑक्सीजन दिस गैसेस टू सर्वाइव। तो एक्वाटिक प्लांट एनिमल को दरकार तो आम अच्छी ना नहीं कमी जानवा। तो आम जितने एक्वाटिक प्लांट एंड एक्वाटिक एनिमल्स मैंने रोचे तो से कौन कर ऑक्सीजन दरकार ब्रीथ पाई तो ब्रीथ पाई जेहतु ऑक्सीजन दरकार तो वाटर रे ऑक्सीजन टा डिजॉल्व होकर अच्छे तो से डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही ब्रीथ रे नहीं था। तो आम जितेबले गोटे फिश को पानी पाणी मटी रखिदे तो से डायरेक्ट ऑक्सीजन को ब्रीथ रे नहीं पारुनी से जल्दी मरी जाऊ। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स माने जो माने रहले से माने कोन करछंती वाटर रे जो ऑक्सीजन टा डिजॉल्व होकर रही से माने से डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही ब्रीथ रे नौछंती। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन देम दैट मेक्स देम फ्रीजिंग। किछे कोल्ड ड्रिंक्स आम जो पिओजे कोल्ड ड्रिंक्स रे मध्ये कार्बन डाइऑक्साइड रहिछे। सम गैसेस सच एज नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम नियन आर्गन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर बट सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम नियन आर्गन दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। देन फ्लोटेशन। व्हाट इज फ्लोटेशन? फ्लोटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस रे जिते बेले गोटे जिनस वाटर आम कौन से गोटे जिनस पकाचे तो से बुड़ी आइदर बुड़ी जाऊँ ना भाषुचे तो से जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टीटा रहा ही कह जाए फ्लोटेशन। जनरली लाइट वेट ऑब्जेक्ट सच एज फीदर्स लीफ पेपर बोट फ्लोट ऑन वाटर व्हेयर एज हेवी ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन एंड मेटल नेल्स सिंक। तो किसी लाइट वेट ऑब्जेक्ट जो रही फीदर्स लीफ पेपर बोट फ्लावर्स पेटल्स एगुड़ाक सब लाइट वेट से एगुड़ाक पानी में भाषुच्च बट हेवी ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स मेटल नेल्स
मेटल नेल्स लाइक आयरन नेल्स देन दे आर सिंक से मैंने बुड़ेले बुड़े जीवे द फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द बायंट फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट रे जो बायंट फोर्स टा अप्लाई हो जी तो फ्लोटेशन तारे ऊपर डिपेंड करुछे नेक्स्ट सॉर्टिंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स देयर इज मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द रॉड लुक एट द मैन इन द पिक्चर तो ये पिक्चर रे कौन अच्छे गोटे मैन अच्छे हम से मैन को देखा व्हाट इज ही डूइंग देयर से ये कौन करुचे देयर इज ए मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द रॉड तो ताकि रॉड अच्छे तो से रॉड रे कौन रही हाथ में से रॉड धरचे तो रॉड रो वन साइड मैग्नेट लगे ही इज सेपरेटिंग आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द गार्बेज दिस इज गार्बेज एरिया तो से जो आयरन रो वन साइड रे मैग्नेट लगे तो मैग्नेट रो मैग्नेट कौन करे आयरन जो सब्सटेंस रही थोड़ा से अलग करदेव तो इट इज ए सेपरेटिंग आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मेटल्स लाइक निकेल फ्रॉम द गार्बेज गार्बेज रु से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी मेटेरियल्स गुड़ाक अलग कर मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन कोबाल्ट निकेल एंड सम अदर मेटेरियल दिस मेटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म तो मैग्नेट को मटेरियल को अट्रैक्ट करे आयरन कोबाल्ट निकेल एंड सम अदर मटेरियल्स दोज मटेरियल हुईज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट मैग्नेट जहाँ को अट्रैक्ट करे ताको कौन कहते मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म मटेरियल्स टू टाइप्स रे अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट मैग्नेट रे से माने अट्रैक्ट हो जाए बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर डू नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स गुड़ाक मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हुए ना एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स नेल नीडल सेफ्टी पिन स्टील स्पून स्टील रूलर आयरन की पिन एसेट्रा नॉन अट्रैक्टेड सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर वुडन रूलर वुड द मटेरियल्स व्हिच आर मेड फ्रॉम वुड वुड रु जहाँ जहाँ सब तैयारी से गुड़ाक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स देन मैस्टिक प्लास्टिक रबर बैंड ग्लासिट गोल्ड रिंग एसेट्रा तो मैग्नेटिक मैग्नेट कह कट्रेट करे आयरन कोबाल्ट निकेल एंड अदर मटेरियल बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हुए ना से गुड़ाक सब कौन वुड रिंग मैस्टिक ग्लास रबर बैंड प्लास्टिक एसेट्रा नेक्स्ट सॉर्टिंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक पास करुचे ना नहीं ताको चेक करके आम मटेरियल को अलग कर द मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स दे शो मेनी प्रॉपर्टीज मटेरियल को आम जिते बड़े डिफरेंट ग्रुप्स करुचे तो से अलग अलग प्रॉपर्टीज देखा था मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्मूथ लस्टेरियस एंड सो मैग्नेटिज्म तो बहुत सारा मेटल्स अच्छे जोड़ा कि स्मूथ रही था लस्टेरियस शाइनिंग प्रॉपर्टी था एंड सो मैग्नेटिज्म अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट डू यू नो दैट मेटल्स हैव सम मोर यूनिक फीचर्स तुम्हें जानो कि मेटल्स यूनिक फीचर्स रही हीट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्ट थ्रू मोस्ट ऑफ द मेटल्स अधिकांश मेटल्स कौन रही हीट इजिली ट्रांसफर हो जाए नाउ लुक द कुकिंग यूटेंसिल्स द पैन इज मेड ऑफ मेटल दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम द गैस स्टोव टू द फूड दैट वी कुक इन द पैन तो पैन कौन है गोटे मेटल्स तो गैस स्टोव रे आम जिते बेले लगोचे गैसटा तो से कौन रोचे से हीट दौचे हीट आसला कौट को गैस स्टोव रु पैन को आसला देन पैन आम जो सब पैन रे जहाँ भी आम रोष करने रखि तो से वेजिटेबल्स
कि कौन से गोटे जिनस आसले तापर जाए कुक कले तो एथर आम जापारे हिट ट्रांसपोर्ट बाय द मेटा मेटाल हिटे ट्रांसफर हो नेक्स्ट एग्जांपल दिस इज आयरन द हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड फ्लाइंग पैन इज मेड ऑफ ए नॉन मेटल लाइक प्लास्टिक दैट डू नॉट ट्रांसफर हिट तो आयरन न कौन होता है हैंडलटा किंबा फ्राइंग पैन हो तो जेकोसी पैन हैंडल तो सब नॉन मेटल होता है बा प्लास्टिक लगे था कहीं प्लास्टिक हूँ इंसुलेटर दे कैन नॉट अब्जॉर्ब हीट और ट्रांसफर हीट प्लास्टिक रबर दे डू नॉट ट्रांसफर हीट तो से आम जो सब मेटल्स तैयारी जिनस गुड़ाक आम हैंडलटा लगी था प्लास्टिक रो वी कैन इजिली होल्ड द हॉट पैंस तो आमर जो हॉट पैंस हो आयरन्स हो आम धरीपरिया ना हाथ में फोटका लगे जापे द प्लेट इज मेड ऑफ मेटल दैट ट्रांसफर प्रोड्यूस्ड हीट टू द क्लॉथेस दैट वी आयरन आयरन हैंडलटा होता है प्लास्टिक रे बट देर लोअर पर्सन व्वेयर यूज टू आयरन जो जहाँ को आम आयरन यूज करूचे से गोटे मेटल्स तैयारी होता है कहीं एथेरे इलेक्ट्रिक रे आम जो बड़े आयरन टाक लगेबा तो इलेक्ट्रिक टाइम ट्रांसफर होट दब जहाँफल कि आम क्लथेस को आयरन कर ट्रांसफर अफ हिट फ्रम वन सब्सटेंस टू अदर और फ्रम वन एंड अफ ए सब्सटेंस टू इट्स अदर एंड इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन हिट जिते बे गोटे सब्सटेंस रु आ गोटे सब्सटेंस को जाउछि किंबा गोटे एंड रु आ गोटे एंड को जाउछि सेते बेले आमे ताको कोन कहबा थर्मल कंडक्शन एग्जांपल जिते बेले आमे गोटे आयरन को निया लागिछि आयरन रो गोटे एंड को आमे निया रे रखिछि आ गोटे एंड को आमे हाथ रे धरिछि तो किछि टाइम पर कोन हबो आमे आउ हाथ रे धरि परबा नै सेटा हमकु गरम लागेबा काहेकि कारण हीट गोटे एंड रु क्रॉस करके गोटे एंड रे रही आसिक आ गोटे एंड रे पहुँची जाइ आम हाथ पाक माने नियारे जोटे लगी आसिक आम हाथ पाखे पहुँची जब एथर आम जानले जे हीटा ट्रांसफर होसुचे एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरिंग हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी आउ प्रॉपर्टी रहा जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ताको कहुचे थर्मल कंडक्टिविटी द सब्सटेंस लाइक आयरन एल्युमिनियम कॉपर मेटल्स व्हिच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टर्स द मटेरियल्स व्हिच आर अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम जो मेटल्स गुड़ाक रही हीट को निजर बॉडी रे फ्लो करने अलाउ कर आम कौन कह कंडक्टर बा थर्मल कंडक्टर्स कह एग्जांपल आयरन एल्युमिनियम कॉपर मेटल्स व्हेयर एज द सब्सटेंसेस लाइक वुड एंड प्लास्टिक्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ हीट और थर्मल इंसुलेटर्स द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आउ किसी सब्सटेंस रही जो माने हीट को अलाउ करते कौन आम कौन कह इंसुलेटर्स और थर्मल इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स ऑफ हीट और थर्मल इंसुलेटर्स कंडक्टर्स आर अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम बट इंसुलेटर्स आर डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स आयरन एल्युमिनियम एंड कॉपर मेटल्स एग्जांपल ऑफ नॉन सॉरी इंसुलेटर्स ऑफ हीट और थर्मल इंसुलेटर्स आर प्लास्टिक्स रबर्स वुड्स एक्सेट्रा जनरली मेटल्स आर थर्मल कंडक्टर्स मेनली आम मेटल्स गुड़ाक हूँ कंडक्टर्स व्हेयर एज नॉन मेटल्स मेटल हूँ कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर लाइक पेपर प्लास्टिक्स वुड एयर ग्लास एक्सेट्रा सम मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम किसी मेटल्स रही जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर था दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो मैंने हीट आपको अलाउ कर था आम कहे कंडक्टर्स ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टर्स द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ हीट
फ्लो थ्रो देम जो माने हीट को अलाउ करते ना ताको आम कहे इंसुलेटर्स ऑफ हीट और थर्मल इंसुलेटर्स दस मेटल्स व्हिच आर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रो देम तो जो माने इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं तंको आम कहवा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स माने से माने इलेक्ट्रिक को अलाउ करछन्दे दिज मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स तो आमर इलेक्ट्रिक वायर्स पई कोन होची इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स को यूज करा जाउ छी लाइक कॉपर मे थिन मेनी थिन वायर्स वर्क कलेक्टिवली ऑन इलेक्ट्रिक केबल इलेक्ट्रिक काम जते बेले होची से बेले कोन होची बहुत छोटो छोटो माने बहुत पतला पतला रो वायर को हमें यूज करू छे दिस वायर्स आर कोटेड विथ प्लास्टिक कवरिंग्स किंतु तार बाहर जो कवर रहे प्लास्टिक रही कहीं ना जदि वायर कुटा हूँ आम कपर तैयारी तो सर इलेक्ट्रिसिटी रो कंडक्टर बा हीट कंडक्टर तो से इलेक्ट्रिसिटी पास कले आमको करेन्ट मारी पारे से तार कवरटा प्लास्टिक रो करा जाए बिकॉज प्लास्टिक इज ए इंसुलेटर दिस वायर्स आर कोटेड विथ प्लास्टिक कवरिंग्स व्हिच प्रोवाइड इंसुलेशन तो सेगुड़ा कौन इंसुलेटर पर काम करे प्लास्टिक वुड एंड पेपर आर नॉन मेटल्स एंड दस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक वुड पेपर सेगुड़ा नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेनि देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स और इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो जो थे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करुचे आम कह कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो थे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें कह इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ग्राफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट हूँ गोटे नॉन मेटल किंतु से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराए सो ग्राफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्लास रे हमें एरो क्वेश्चन आंसर करिबा थैंक्स फॉर वाचिंग नुआ है दिले निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ प्लीज लाइक शेयर कमेंट करूँ थैंक यू।